कुछ वर्ष पहले दो बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे और जानते हैं मस्ती का विषय क्या था? जल्दी से जल्दी महाप्रलय हो जाए, हम राजी के पास चले जाएं। उनको मरने में आनंद लग रहा था, वो सोच रहे थे कि मरने के बाद तुरंत राजी मिल जाएंगे। ये भावना कब होती है? जब वाणी से अटूट विश्वास हो जाता है। तो विश्वास होने के बाद हम चाहते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रीतम है, वो मिल जाए। तो हम करने पर अपने चरण कदम बढ़ा देते हैं। वाणी कहती है, अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदल्या हाल। हमारी अवस्था नहीं बदली। अवस्था न बदलने का तात्पर्य क्या है? आज से 25 वर्ष मान लीजिए पहले हमने तारतम लिया, हमने सेवा पूजा शुरू की, वाणी पढ़ते रहे, कुछ अब ज्यादा जान गए हैं, कुछ बोलने भी लगे हैं, कुछ समझाने भी लगे हैं, विश्वास भी गहरा हो गया है, लेकिन संसार ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जो परात्म की रहनी है वो रहनी हमारे में नहीं आई। परात्म की रहनी क्या है? परात्म केवल प्रेम जानती है, परात्म के पास घृणा नहीं है। राज्य सर्वशक्तिमान है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य के पास नहीं है, हमारे पास है। राज्य के पास काम विकार है? नहीं। क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है? नहीं। हमारे पास तो लबालब भरा है। राज्य इस दृष्टि से गरीब है, बेचारे के पास काम क्रोध लोभ है ही नहीं जो इस माया में होता है। परात्म में भी ये नहीं है। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल। हमारी अवस्था क्यों नहीं बदली? हमारी जो ये अवस्था चल रही है ये वास्तविक अवस्था नहीं है। हम सारी वाणी को कंठस्थ करके सुना दें तो इसका अर्थ नहीं कि हमारी परात्म जैसी अवस्था हो गई है। आप देखिए, गंगोत्री के किनारे चले जाइए तो गंगा के जल का जो स्वाद होगा, पूरी गंगा का जल पी जाए, कहीं से भी पीजिए और एक गिलास में रख करके एक चम्मच से पीजिए, दोनों का स्वाद तो बराबर ही होगा। अक्षरातीत के जो भी गुण हैं, प्रेम, सौंदर्य, लीला, आनंद, एकत्व, ये सब कुछ हर परात्म में विराजमान है और समत्व की भावना से। ऐसा नहीं कि कम अधिक है, क्योंकि अक्षरातीत का हृदय ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप जब परात्म की नजर है, परात्म की दृष्टि है, आत्मा है, तो आपकी आत्मा ने भले ही किसी जीव पर वास कर संसार के खेल को देखा है, आपको क्रोध क्यों आता है? आपको घृणा क्यों आती है? आपके विचारों में नकारात्मकता क्यों है? आप धन के लोभ के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं? इन इंद्रियन की मैं क्यों कहूं, ये तो अवगिन ही की काया, इनसे क्यों देखूं मैं साहेब, यही भई अड़ी माया। आप देखिए, आंखें रूप को देखकर खुश हो जाती है। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन को बहुत अच्छा लगता है सुंदर रूप देखना। जीवा, जिनको तंबाकू खाने का शौक है उसके बिना रहा नहीं जाएगा, जिनको चाय का शौक है उनके बिना रहा नहीं जाएगा, जिसको शराब का शौक है रहा नहीं जाएगा। ये जीवा ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, कड़वा बोलती है, खुद छिप जाती है, और डंडे किस पर पड़ते हैं? बेचारे सिर के ऊपर। इस जीवा ने बड़े बड़े युद्ध कराए हैं कड़वा बोल बोलकर। महाभारत का युद्ध कड़वी जबान के कारण हुआ, रामायण का युद्ध कड़वी भाषा के कारण हुआ। आप नहीं सोच सकते कि एक इंद्रिय की विकृति के कारण लाखों का संहार हो जाता है, इतनी इंद्रियां प्रबल है। इसलिए बड़े से बड़े विद्वान को भी, बड़े से बड़े योगी को भी सतर्क रहना चाहिए, पता नहीं कौन सी इंद्रिय कब धोखा दे जाए। चित्त में जन्म जन्मांतरों का बसा हुआ बुरा संस्कार बड़े से बड़े हिमालय के योगी को भी भटका सकता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक सच्ची घटना है, हिमालय के बर्फ में एक महात्मा जी रहते थे।
उनकी जांग पर आग का अंगारा रख देने पर भी उनकी समाधि टूटती नहीं थी। एक बार भ्रमण के लिए वो हिमाचल में आए, एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखा, फिर उनका मन संसार में आसक्त हुआ, विवाह करके उसके मोहजाल में फंस गए। हिमालय की बर्फ में रहने वाला एक योगी एक सौंदर्य पर आसक्त होकर अपनी सारी साधना को खो बैठता है, क्योंकि उसके पूर्व के संस्कार में वासना का बीज था और वही बीज बरगद का जैसे बीज छोटा होता है, वृक्ष के रूप में जब फलता है तुम नजर आता है, हमको नहीं पता। हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वाणी पढ़ते हैं तो हमारे पुराने विकार दबे रहते हैं, वो नजर नहीं आते, वो छिपे रहते हैं। हाँ, विकारों को दग्ध किया जाता है राज्य के प्रेम की अग्नि से, लेकिन प्रेम की आंच जब मंदी पड़ जाती है तो विकार पुनः सिर उठाने लगते हैं। एक बात है, सुंदर साथ को विशेष छूट दी गई है कि राज्य पर अटूट विश्वास कीजिए और अटूट प्रेम कीजिए। तीन चीजें याद रख लीजिए, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम। चाहे आपके अंदर लाखों विकार क्यों ना हो, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तीनों में कमी नहीं आनी चाहिए। राज्य पर के विश्वास पर कमी नहीं आनी चाहिए, समर्पण में कमी नहीं आनी चाहिए। समर्पण का अर्थ समझते हैं, हमारे हृदय में पहला स्थान राज्य के लिए हो, उसके बाद पतिदेव के लिए हो, पत्नी के लिए हो, बच्चों के लिए हो, संसार के संगी संबंधियों के लिए हो। जब हम राज्य से ज्यादा किसी को चाहेंगे तो हमारा समर्पण खंडित हो गया, पहले राज्य। हमारा रोम रोम उनके लिए हो, हमारा जीवन उनके लिए हो, इसको कहते हैं समर्पण। और अटूट प्रेम, प्रेम कभी खंडित नहीं होता, मोह खंडित होता रहता है, क्योंकि मोह में स्वार्थ होता है। शरीर छूटने के साथ मोह का बंधन टूट सकता है, लेकिन प्रेम का बंधन सैकड़ों जन्मों के बाद भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में विकार नहीं है, और ये निश्चल पवित्र चाहत ही प्रेम है। राज्य से हमें ऐसा ही अटूट प्रेम रखना होगा जिसमें कोई मांग नहीं है कि राज्य हमको करोड़पति बना दीजिए, हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, हमको पूरा इल्म दे दीजिए कि सब सुंदर साथ की मैं जागनी करूँ, कुछ चाहत नहीं। केवल अपने हृदय को लुटाना ही प्रेम है, उसके बदले कुछ न मांगिए। राज्य से कोई फरमाइश नहीं, कितना भी दुख हो कभी उफ न कीजिए, कभी न कहिए कि राज्य मेरे संकट दूर कीजिए। क्यों, अर्धांगनी कभी भीखमंगा बनती है? पटरानी क्यों भीख मांगे? यदि उसके रहते कष्ट होता है तो उसका प्रेम खंडित होगा, आप अपने प्रेम को कलंकित क्यों कर रहे हैं? राज्य को यदि गरज है, उनको आवश्यकता हो तो हमारे कष्ट दूर करें, हम कष्ट के लिए क्यों हाथ जोड़ें? हम तो केवल प्रेम करना जानते हैं, इसको कहते हैं अटूट प्रेम। और जिसने ऐसा कर लिया उसने बाजी मार ली। लेकिन हमारा जीव जब कमजोर होता है, घबरा जाता है, पता नहीं क्या होगा, हे राज्य जल्दी से दूर करो, संकट दूर करो, मैं मेहर सागर का पाठ रखवा देता हूँ, पाठ वाणी का पाठ रखवा देता हूँ, ये कब होता है? जब हमारा मनोबल कमजोर होता है, हमारे प्रेम में कमजोरी होती है। प्रीतम छब नैनन वसी, पर छवि कहाँ समाए? उसकी छवि बस जाती है तो दूसरे की छवि नहीं आती, वही बात कह रहे हैं। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल, नकस न मिट्टो मोह मूल को, ताथे नजरों न नूर जमाल। राज्य का दर्शन क्यों नहीं होता? कारण बता दिया, हमारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए राजी ने वाणी दी, अनजानता के अंधकार को दूर करने के लिए वाणी दी राजी ने। वाणी हमें दर्शा रही है कि हमें अटूट विश्वास रखना होगा। प्रेम का पौधा यदि विश्वास के जल से न सींचा जाए तो वो सूख जाएगा, समर्पण की खाद नहीं मिलेगी तो विकसित नहीं होगा, और प्रेम ही तो उसका जीवन है। किसी पौधे को बक्से में बंद कर दीजिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो क्या पौधा विकसित होगा? समाप्त हो जाएगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व है प्रेम। यदि हमने आध्यात्मिक प्रेम को खो दिया तो हमारा जीवन निसार है, हमारा ज्ञान केवल शुष्क है। इस मार्ग को बताने के लिए वाणी अवतरित हुई है।